हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वैलेंटाइन डे के बारे में। मिस्टर फैजू ने वैलेंटाइन डे मनाया कि नहीं मनाया, और मिस्टर फैजू ने अपनी जीएफ को प्रपोज किया कि नहीं किया, और अगर प्रपोज किया तो वह लड़की कौन है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके पहले गाइस रिक्वेस्ट है, अगर आप मिस्टर फैजू के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको इसी तरह की अपडेट्स देते रहता हूँ। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन डे को सभी लवर्स अपने लव को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी बॉयफ्रेंड को प्रपोज करते हैं, और जितने भी बॉलीवुड स्टार हैं, टिकटॉक स्टार हैं, सब अपनी जीएफ को प्रपोज करते हैं, और कई सारे गिफ्ट भी देते हैं और पार्टी भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फरवरी के मंथ में प्रपोज डे, चॉकलेट डे, किस डे आता है, लेकिन वैलेंटाइन डे सबसे खास माना जाता है, और आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे है। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। गाइस, बात करते हैं मिस्टर फैजू ने वैलेंटाइन डे पर किसी को प्रपोज किया कि नहीं किया। तो गाइस, आप जानते हैं मिस्टर फैजू की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और वो अभी तक सिंगल हैं। यहाँ तक कि अदनान 07, हसनैन 07, शादान 07 की भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और ये सब अभी तक सिंगल हैं। फैज वालों की गर्लफ्रेंड शिफो मेमोन है, हो सकता है कि वह वैलेंटाइन डे मना सकते हैं, वो भी कोई कंफर्म नहीं है। तो गाइस, जितने भी लड़कियां हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है कि मिस्टर फैजू की अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और वह मिस्टर फैजू को प्रपोज कर सकती हैं। अगर मिस्टर फैजू ने उनका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी लाइफ बन सकती है, क्योंकि मिस्टर फैजू जिनके साथ वीडियोस बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो गाइस, आप समझ चुके होंगे कि मिस्टर फैजू वैलेंटाइन डे नहीं मनाएंगे क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, और अगर आप मिस्टर फैजू के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको इसी तरह की अपडेट्स देते रहते हैं।